अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं? आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है कि सुपरमार्केट। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले अपने नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई से नई वीडियो आप तक बिला तकल्लुफ पहुँचती रहे। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि सुपरमार्केट, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके अंदर से आपको शॉप्स का टूर करवाऊंगा, विज़िट करवाऊंगा कि बाहर से तो आपको काफ़ी वीडियोस के अंदर मैंने टूर करवाया होगा। आज मैंने कहा अपने कस्टमर्स को, जो वो कस्टमर जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उनके बारे में, और जो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके बारे में, उनके लिए ये वीडियो है। अंदर से आपको आज इसका जो विज़िट है वो करवाऊँगा कि कितना इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो हो चुका है। ये इसकी सराउंडिंग आप देख रहे होंगे, प्रिसन 19 के अपार्टमेंट, इसके अलावा प्रिसन 18 फॉर्म हाउस और बैरिया एडवेंचर लैंड, इसके अलावा प्रिसन 19 का फ्यूल पंप, उसके अलावा बैरियर रोड कराची का सबसे बड़ा मॉल जो कि इम्तियाज़ मॉल है वो इसकी फेसिंग पे है। और इसकी जो लोकेशन है ख़ुद ये चार प्लॉट्स के ऊपर है, और वो भी कॉर्नर के प्लॉट्स के ऊपर, और इस वेस्ट ओपन थ्री साइड ओपन प्लॉट्स। और ये आप रास्ता देख रहे होंगे, ये इसकी बेसमेंट का है, और बेसमेंट की जो एंट्री है वो आपको इस साइड से मैं दिखा देता हूँ। ये इस साइड से इसकी एंट्री है, और ये बेसमेंट के अंदर शॉप्स नहीं है, बेसमेंट के अंदर इसका है पार्किंग का सिस्टम, जो कि एक्यू बिल्डर अपनी शॉप्स की पार्किंग, आपको आइडिया होगा कि एक्यू बिल्डर का कोई भी अगर प्रोजेक्ट है तो उसका तकरीबन 2 लाख या 3 लाख रुपये आपको एक शॉप का जो पार्किंग है वो अलग से आपको पे करना होता है। चलते हैं हम ग्राउंड फ्लोर की तरफ। ये आप देख रहे होंगे लोअर ग्राउंड की शॉप्स आपको नीचे देख रहे होंगे, और अभी हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ, तो इसके बारे में आपको आज अपडेट दूंगा। ये फ्यूल पंप वाली साइड फेसिंग है, इसका जो इस साइड से है लोअर ग्राउंड का जो है वो बहुत अच्छा लोअर ग्राउंड का आपको व्यू मिलता है। अगर आप लोअर ग्राउंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फ्यूल पंप की साइड को फेसिंग शॉप्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके आने वाले फ्यू 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर, जब इसको पोजेशन मिल जाएगा तो आपका जो रेट है, अगर हम कहते हैं कि अगर आप 20,000 पे कोई शॉप लेते हैं तो आपकी 25,000 बिल्कुल आराम से आपकी शॉप जो है वो सेल हो सकती है रीसेल के ऊपर। जो ये हम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर चले गए फ्यूल पंप वाली साइड से, और ये आप अंदर से देखें इसका जो है ये मेन कॉरिडोर जो है ये वो रास्ता है ग्राउंड फ्लोर का, और ये शॉप्स आप देखें जो है इलेक्ट्रिक का काम है वो भी हो चुका है, इसके अलावा थोड़ा बहुत काम जो है वो चल रहा है, ये कॉरिडोर का काम चल रहा है, और इसके अलावा जो बिजली का काम है वायरिंग वगैरह वो भी हो चुकी है, कुछ जो है एक तरह का हम स्ट्रीट ही कह सकते हैं कि वो काम हो रहा है। ये सामने आपको इम्तियाज़ मेगा स्टोर की साइड दिख रही होगी, और ये फ्यूल पंप की साइड, और ये इसका जो है अंदर से कॉरिडोर की तरफ से। अभी लाइट ऑन नहीं है, कुछ हिस्सों में लाइट ऑन है, कुछ हिस्सों में अभी लाइट ऑन नहीं है। अच्छा, इसके बारे में अभी मैं आपको बता दूं, ये दूसरी साइड है जो कि एक डोमिनियन की साइड से, और ये इसका आप अंदर जो है टाइल्स का काम हो चुका है, एल्युमिनियम का काम जो है वो भी हो चुका है। इसके अलावा ये इसके अंदर आप देखें ये मेन जो लिफ्ट्स हैं ये, और ये अभी हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अच्छा, ये एक्यू बिल्डर एक ऐसा बिल्डर है जो कि अपना काम को, अपने काम की वजह से इनकी पहचान है, और ये जो एक्यू सुपरमार्केट इनका प्रोजेक्ट है ये इनका 3 साल का प्रोजेक्ट है, और तकरीबन हम कह सकते हैं कि 2.6 मंथ, यानी हम कह सकते हैं कि 30 मंथ्स जो हैं इसे हो चुके हैं, और बाकी 6 या 5 मंथ हम कह सकते हैं फ्यूज़ जो है वो अभी बाकी हैं। और ये लिफ्ट, और ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर का भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, वो भी आफ्टर हम कह सकते हैं कि 2 मंथ तक जो इसका काम है वो कंप्लीट हो चुकेगा, हो जाएगा। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप देखें जो इसका ऑफिशियली रेट्स था उससे अभी तक जो जो लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो अभी तक उन्होंने तकरीबन अगर हम उन्होंने 20,000 रुपये पे अगर कोई शॉप ली थी तो अभी तक उन्होंने तकरीबन 40,000 रुपये तक का उसका रेट चला गया है, यानी 50% जो है वो उन्होंने प्रॉफिट हासिल किया। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी 2 साल के अंदर
उन्होंने ये प्रॉफिट हासिल किया है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा व्यूअर्स, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर आपको शॉप अभी अगर आप अवेल करते हैं वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको कितने तक आपको शॉप, जो सबसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो शॉप है वो आपको कितने रेट्स के अंदर मिल जाएगी? जो सबसे छोटी शॉप है वो आपको तकरीबन 40 लाख से लेके, यानी 40 लाख से लेके आपको 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ से प्लस भी शॉप्स हैं इसके अंदर। कम से कम साइज़ की भी शॉप्स हैं तकरीबन 80 स्क्वायर फीट की, और इससे तकरीबन 300 से 400 स्क्वायर फीट तक भी शॉप्स हैं। ये इसका इम्तियाज़ की साइड का बाहर आउटर साइड, ये इम्तियाज़ फेस है, ये देखिए आप। अच्छा विवेक, सबसे बड़ी चीज़ इसको अगर हम एक मोबाइल मार्केट का नाम दें तो वो भी एक बुरा नाम ना होगा, क्योंकि इसके अंदर जो साइज़ की शॉप्स हैं इस साइज़ के ऊपर मोबाइल मार्केट के अंदर ही मोबाइल मार्केट ही बन सकती है, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ चीज़ों की जो शॉप्स हैं वो ओपन होगी, क्योंकि जो मोबाइल मार्केट है वो इस नज़रिए से हम देख सकते हैं, क्योंकि बैरियटाउन के अंदर काफ़ी डीलर्स हज़रात का ये इश्यूज़ होते हैं कि मोबाइल का जो डाटा है वो नहीं रिकवर हो रहा, ये चीज़ें हो रही हैं। तो बैरियटाउन के अंदर अभी तक कोई भी ऐसी शॉप्स नहीं है जो कि जिधर से मोबाइल, अगर कोई भी मोबाइल ख़राब होता है तो उनको सिटी की तरफ जाना होता है, कराची की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर इसके अंदर मोबाइल्स की शॉप्स मार्केट होंगी, या मुख्तलिफ़ किस्म की बहुत बड़ी ये मार्केट है, एक बहुत बड़े शॉप्स के ऊपर ये इसका एरिया है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इसके रिलेटेड जब ऑल ओवर बैरियटाउन कराची के रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज हो, आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।